नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो अपने जो शेखावाटी विश्वविद्यालय वाले विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको पता है कि उनका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। ठीक है, नहीं पता है तो अभी जान लो। मॉर्निंग में आपको बता दिया गया था कि आपकी एग्ज़ाम 5 अगस्त से स्टार्ट होनी है और टाइम टेबल जल्दी जारी कर दिया जाएगा, ऐसा आपको बताया था मैंने। और मैंने आपको ये भी कहा था जो टाइम टेबल होगा वो पूरा राजस्थान यूनिवर्सिटी की तर्ज पे होगा। मीन्स जिस प्रकार से राजस्थान यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल बनाया है, सेम उसी प्रकार से आपका भी टाइम टेबल होगा, ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात ये है, मतलब एक खुशी वाली बात भी है आपके लिए टाइम टेबल में, क्योंकि टाइम टेबल में आपको अच्छा समय दिया गया है। ठीक है, पेपर्स के बीच में आपको काफ़ी अच्छा गैप दिया गया है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो टाइम टेबल अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो टाइम टेबल आपका जारी किया गया है उसमें आपकी एग्जाम स्टार्ट होनी है 5 अगस्त से। 5 अगस्त से स्टार्ट होनी है, इस दिन आपकी फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड की एग्जाम होगी। ठीक है, टाइम रहेगा आपका मॉर्निंग 8 से लेकर 7 से लेकर 10 तक। ठीक है, ये पेपर टाइमिंग आपका रहेगा 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी एग्जाम होगी, यानी कि 3 घंटे आपके पास होंगे, 3 ओवर्स आपके पास होंगे। इन 3 ओवर्स में आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर हल करने हैं, मतलब 50% इसका 50% इसका, इस प्रकार से आपको हल करने होंगे। कहने का तात्पर्य ये है, यूनिट की बाध्यता है नहीं, मीन्स आप किसी भी यूनिट में, मतलब यूनिट के दोनों पर्सन आप कर सकते हो। ठीक है, यूनिट के आप दोनों पर्सन कर सकते हो। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा है कि 2 यूनिट कम से कम आपको तैयार करनी है। ठीक है, हर एक पेपर में 2 यूनिट सफिशियंट है। उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, वो अब भी तैयारी करते हैं तो इजीली पूरा का पूरा मैटर वो कवर कर सकते हैं। तो फिजिक्स फर्स्ट और सेकंड आपकी होनी है 5 अगस्त को। 7 अगस्त को आपका होना है फिजिक्स थर्ड का पेपर, मीन्स इसके लिए आपको 2 यूनिट पढ़ने के लिए बीच में 1 दिन का समय है, जो काफ़ी है। 1 दिन का तो ये रहा, 10 बजे बाद का पूरा दिन ये पढ़ा, मीन्स पूरे पूरे 2 दिन मान सकते हो आप इस पेपर के लिए भी। तो 2 यूनिट के लिए 2 दिन सफिशियंट होते हैं। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपकी अगली एग्जाम होगी सीधा 14 अगस्त को, मीन्स बहुत समय है, इतना समय है कि पूरी केमिस्ट्री भी पढ़ो तो भी समय ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन पढ़नी कितनी है, सिर्फ 6 यूनिट पढ़नी है, 2 इनऑर्गेनिक की, 2 ऑर्गेनिक की, 2 फिजिकल की, टोटल 6 यूनिट आपको पढ़नी है। ये 6 2 2 यूनिट उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। जिन्होंने स्टार्ट कर रखी है वो कम से कम 3 यूनिट तैयार करेंगे, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो कम से ज़्यादा करें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 यूनिट उनको तैयार करनी है जो पहले से पढ़ के आ रहे हैं। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, अभी तक बुक्स ही नहीं देखी है खोलकर, उनके लिए 2 2 यूनिट पढ़नी है। इस दिन आपका होगा केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री सेकंड का। उसके बाद चलते हैं केमिस्ट्री थर्ड, जो होगी आपकी 17 अगस्त को, यानी कि साहब पूरे पूरे 3 दिन, 10 बजे के बाद में पूरा दिन ये, ठीक है, 15 16 2 दिन ये वाले, तो पूरे पूरे 3 दिन है यूनिट करनी है साहब, 2 ही तैयार इसके बीच में। ठीक है, मींस इजीली हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, तो 21 तारीख को है अपना जो गणित विषय आता है, जो मैथमेटिक्स आता है, इसमें है आपका मैथ्स का पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, और उसके बाद आपकी फाइनल एग्जाम होगी 24 अगस्त को, जो कहता है आपका मैथ्स थर्ड का। ये आपका टाइम टेबल है, ये आपका टाइम टेबल जारी किया गया है शेखावाटी विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, तो मैं कहना चाहूँगा कि शेखावाटी विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट का काफ़ी ध्यान रखकर, मतलब काफ़ी उनके बारे में सोच विचार करके ये टाइम टेबल बनाया गया है, क्योंकि इतना समय आपको दिया गया है कि आज से भी आप अगर 0 लेवल से पढ़ना स्टार्ट करो तो भी पूरा पेपर आप कवर कर सकते हो, जितना आपको करना है। कितना करना है? 50% करना है। मैं तो कहता हूँ इस टाइम टेबल में अगर आपको 80% भी कवर करना होता तो वो भी इजीली हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना समय आपको दिया गया है, इस मतलब जो सिलेबस है, जो सिलेबस इस बार आपका है उसके अकॉर्डिंग जो टाइम आपको दिया गया है ये बहुत ज़्यादा दिया गया है।
मीन्स ये एक बहुत खुशी वाली बात है, घबराने की वाली बात तो अब यहीं खत्म हो जाती है शेखावाटी वालों के लिए, तो उनको तो एकदम मजे हो गए, ठीक है, उनके लिए तो ये बात हो गई, ये टाइम टेबल एक मजे की तरह हो गया, इतना समय मिला है भाई साहब। अब भी आप अगर पिछड़ जाते हो तो मैं कहूंगा पढ़ाई छोड़ दो, अगर इसके बाद भी आप फेल होते हो या आप नंबर कम बनाते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिलेबस दिए, ये हमारी मेहनत पे पानी फेरना है, अगर इसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाते हो तो ये हमारे मुंह के ऊपर एक आपके द्वारा मारा गया तमाचा है। आप ये कहना चाह रहे हो कि नहीं, हमें पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, हम लायक ही नहीं है पढ़ने के। अगर आप इस समय भी, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब इज्जत रख लेना, ठीक है, इतना समय आपको दिया है, ठीक है, तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है पढ़ लेना, ठीक है, पूरा का पूरा जितना बताया है, जिस प्रकार से आपको टीचर्स ने पढ़ाया, जैसे पढ़ाया वो पढ़ लेना, नोट से पढ़ लेना, लेकिन भाई साहब पेपर अच्छे से करके आ जाना, ठीक है, आपने अच्छा किया ये हमारे लिए बहुत खुशी वाली बात है, आपने एकदम अच्छा लिखा, आपने अच्छी तैयारी की, तो हम ये मान लेंगे आपने हमें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ दे दिया। हम आपसे अगर कुछ मांग रहे हैं गुरु दक्षिणा के रूप में तो यही मान रहे हैं, यही हमें चाहिए कि आप बेस्ट से बेस्ट करो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें यही चाहिए कि आप बेस्ट करो, उसके बाद आई स्टडी ऑनलाइन आपके साथ हमेशा खड़ा था और खड़ा रहेगा, आगे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहो तो भी आपके साथ पूरा पूरा हमारा सपोर्ट रहेगा, चाहे आप एमएससी करो, एमएससी करते हो तो आपके लिए आई स्टडी ऑनलाइन कंटिन्यू है ही, आईआईटी जेएम करते हो तो भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और किसी यूनिवर्सिटी से आपका एंट्रेंस एग्जाम फाइट करने का इरादा है तो उसके लिए भी हम आपको गाइड करेंगे, मीन्स आपके साथ हम बने हुए हैं, बस हमें चाहिए आपसे एक अच्छा रिजल्ट, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मतलब जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करोगे, हमें आप निराश नहीं करोगे, आप हमें निराश नहीं करोगे। अगर कोई टॉपिक हमारे द्वारा छूट गया, आपको ये लगता है कि इन टीचर्स के द्वारा ये टॉपिक रह गया है एग्जाम में आने लायक है, तो देखो हम भी इंसान है, टॉपिक छूट जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद से उसको कवर करने की कोशिश करें, ठीक है, स्वयं आप उसको करने की कोशिश जरूर करें, ये नहीं कि हमारे द्वारा स्किप हो गया तो आपने भी उसको छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि 100% कोई नहीं होता, ठीक है, 100% इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है, उस चीज़ को आप कवर करें, कोई क्वेश्चन छूट गया इंपॉर्टेंट है तो उसको आप कवर करें, कोई टॉपिक छूट गया इंपॉर्टेंट है तो उसको आप कवर करने का प्रयास करें। तो कहने का मतलब है भाई साहब इतना समय दे दिया है, इतना समय दे दिया है कि अब भी आप नहीं करते हो तो फिर भाई साहब पहले भी कह चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही कि पढ़ना लिखना ही छोड़ देना, लेकिन इस समय में अब हमारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, उसको आप ज़रूर पूरा करना, ठीक है, हमारे लिए ना सही तो अपने माँ बाप के लिए ज़रूर करना, अपने माता पिता के लिए जो आपके लिए जो सपने देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप ज़रूर करना, ठीक है, कुछ दिनों के लिए मोबाइल छोड़ दो, कुछ दिनों के लिए बाहर की दुनिया छोड़ दो, चंद दिन की बात है, एक महीने की बात है साहब, एक मंथ अगर फ़ोन नहीं चलाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक मंथ अगर बाहर घूमने नहीं जाओगे तो कोई फर्क, बाहर तो जाना ही नहीं है, कोविड चल रहा है ना, ये तो रिस्ट्रिक्शन ही कैंसिल है, फ़ोन नहीं चलाओगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, व्हाट्सअप नहीं चलाओगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, इंस्टा नहीं चलाओगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, सोशल मीडिया से दो फोन को ही बंद कर दो, ये सबसे बंद करने का मतलब ऐसे क्लासें कहाँ से लोगे, बंद करने का मतलब सोशल मीडिया बंद कर दो, ठीक है, सोशल मीडिया आप बंद कर दो, कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है, फ़ोन बिना तो पढ़ोगे किसी, ठीक है, तो वो फ़ोन बंद करने वाली तो लाइन हटा देना आप, लेकिन इस पे फोकस करो, क्लियर है सभी को, तो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा और हमारी उम्मीदें आप ज़रूर पूरा करोगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।